इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम दो चीज़ें फाइंड करना सीखेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटिसा। सवाल है मेरे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। कुछ वैल्यूज मुझे यहाँ पर दी हुई है, जैसे पहली है 5054, दूसरी है 9.992 और तीसरी है 0.00329। इस सवाल में आपने दो चीज़ें फाइंड करना सीखनी है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है, आपने देखना है कि पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं। जैसे मेरे पास पहला पार्ट है 5054, इसमें पॉइंट कहीं पे भी नहीं, इसका मतलब लास्ट में। अब पॉइंट से पहले मेरे पास कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, चार वैल्यूज़। क्या करें कि कितनी वैल्यू नज़र आ रही है, चार वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा, इसमें आप जो है पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यू है उसमें से वन को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यूज है उसमें से वन को माइनस कर दोगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज थी, चार वैल्यूज थी, तो मैंने चार में से एक निकाला तो मेरे पास थ्री आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास थ्री आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें तो पॉइंट से पहले मेरे पास एक वैल्यू है नाइन, पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है, एक में से एक निकाला तो मेरे पास जीरो आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मेरे पास जीरो आ गया। थर्ड वाला पार्ट देखें, वो थोड़ा हटके, क्यों, क्योंकि उसमें पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है, पॉइंट से पहले वैल्यू को आना ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट को पहले नंबर बाद लाओगे। क्या करोगे, पॉइंट को पहले नंबर बाद लाओगे। अब जरा इधर देखें, पॉइंट कितना स्टेप मूव कर रहा है, वन टू थ्री, तीन स्टेप पॉइंट आगे आया तब पहले नंबर बाद आया। मीन्स के तीन स्टेप पॉइंट्स ने मूव किया, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास माइनस का थ्री हो जाएगा। नहीं समझे, एक और बार देखें, पॉइंट को याद रखना पहले नंबर बाद लाना है। लॉगरिथम फाइंड करने के लिए पॉइंट को पहले नंबर बाद लाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट मेरे पास जीरो के बाद था तो मैं इसको पहले नंबर बाद लाया, और पहला नंबर मेरे पास यहाँ पर थ्री था तो मैंने इसको तीन स्टेप मूव कराया। पॉइंट को कितना स्टेप मूव कराया, तीन स्टेप मूव कराया। तीन स्टेप मूव कराने के बाद मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस थ्री आ गया। अगर मैं फोर स्टेप मूव कराता तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस का फोर आ जाता। अगर मैं टेन स्टेप मूव कराता तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास माइनस का टेन आ जाता। ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरी बात करते हैं मेंटिसा की। मेंटिसा कैसे फाइंड होता है, मेंटिसा फाइंड करेंगे हम लॉग बुक से। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैथ की बुक मौजूद है, उसमें मैंने लॉगरिथम का टेबल खोला, लॉग का टेबल खोला मैंने यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर 55.4 का मुझे लॉग निकालना था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर काउंटिंग में देखा कि मेरे पास 50 कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास 50 आया यहाँ पर मेरे पास। तो अब मुझे 50 के 4, 5 में देखना था, किसमें देखना था, 50 के 5 में। तो यहाँ पर मेरे पास 50 था, 50 के 5 में मैं पहुँचा तो मेरे पास आ रहा है 7033। क्या आ रहा है, 7033 आ रहा है। उसके बाद अब 50 के 5 में पहुँचने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, 4 में। 50 के 5 में देख लिया, उसके बाद मेन डिफरेंस वाले कॉलम के 4 में आना है, 1, 2, 3, 4, ये रहा 4। तो मैंने 50 के यहाँ पर 4 में देखा तो मेरे पास 3 आया। तो मेरे पास जो है, मैंने जब 50 के 5 में देखा तो 7033 आया था, देन इसके बाद मैंने मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखा तो मेरे पास 3 आया, देन मैंने दोनों को प्लस कर दिया तो मेरे पास 7036 मेंटिसा आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 99 के 9 में देखा मैंने, किस में देखा, 99 के 9 में। यहाँ पर मेरे पास 99 है, 99 के 9 में देखा तो मेरे पास आया 9996। क्या आया मेरे पास, 9996 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने 99 के 9 में देखने के बाद मेन डिफरेंस वाले कॉलम के 2 में देखा तो मेरे पास 1 आया। क्या आया यहाँ पर मेरे पास, 1। तो 9996 में मैंने 1 को प्लस किया तो मेरे पास 9997 इसका मेंटिसा आ गया। अब वहाँ पर जाएँ तो आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 32 के 9 में देखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चौथी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आपका तीन ही वैल्यू, तो उसमें आपने तीन वैल्यू का इस्तेमाल किया, 32 का किस में देखा, 9 में। तो ये आ गया मेरे पास 32, इसके 9 में मेरे पास आ रहा है 5172। तो मेरे पास यहाँ पर मेंटिसा इसका आ गया 5172। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जरा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लॉगरिथम में करना क्या है, इसी के आगे कंटिन्यू सिखा रहा हूँ। लॉगरिथम में आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, देन मेंटिसा फाइंड करना है, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को जो है वो मिला के लिख देना है। किस तरीके से, जैसे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक 3 आया था और मेंटिसा मेरे पास 7036 आया, तो इसका लॉगरिथम क्या बनेगा, लॉगरिथम इज इक्वल टू पॉइंट से पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक लिख दूंगा और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मैं मेंटिसा में लिख दूंगा, तो मेरे पास ये लॉग फाइंड हो जाएगा। एक और देखें, कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास 0 था, तो पॉइंट से पहले मैंने क्या लिख दिया, 0।
जो मैं पामेंटिसा वाली वैल्यू आई वो मैंने पॉइंट के बाद लिख दी 997। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में माइनस का 3 था तो पॉइंट से पहले माइनस का 3 लिख दिया मैंने। देन इसके बाद जो पामेंटिसा वाली वैल्यू थी वो मैंने पॉइंट के बाद लिख दी तो मेरे पास आ गया 5172। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है इफ लॉग 31.09 इज इक्वल्स टू 1.4926। अब सवाल में आपको जो है 31.09 लोग 31.09 की वैल्यू दी हुई। अब सवाल कह रहा है कि बाकी वैल्यूज फाइंड करके देखो। जैसे मेरे पास एक पार्ट है लोग 3.109, एक पार्ट है मेरे पास लोग 0.003109। अब आपने करना क्या है, ये जो सवाल में आपको वैल्यू दी हुई है ना पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो ऐसे डिस रहेगी यहाँ पे 4926। आपने खाली पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, पॉइंट से पहले वाली। अब यहाँ पर 31.09 था, यहाँ पर पॉइंट से पहले दो नंबर थे, दो में से एक निकाला तो यहाँ पर 1 आ गया पॉइंट से पहले। अब यहाँ पर पॉइंट से पहले एक ही नंबर है तो एक में से एक माइनस किया तो कितना आ जाएगा 0, तो पॉइंट से पहले यहाँ पर 0 आ गया। एक और देखें, अब पॉइंट को यहाँ पर आपको पहले नंबर बाद लाना है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 है तो कितना स्टेप मूव किया पॉइंट 1 2 3, तो 3109 आपके पास वही आ जाएगा 4926। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब आपने पॉइंट को 3 स्टेप मूव कराया था तो पॉइंट से पहले क्या आ जाएगा माइनस का 3। एक और पार्ट देखें यहाँ पर 3109 लॉग 3109। अब यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है, लास्ट में। कहाँ पर है पॉइंट, लास्ट में। आपने पॉइंट वाले पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख दी 4926। आपने चेंज करनी है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, तो पॉइंट से पहले यहाँ पर 4 नंबर थे, 4 में से एक गया तो कितना बचा 3, तो पॉइंट से पहले यहाँ पर 3 आ गया। उम्मीद है इस वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू।